हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रोहन कदम एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 295 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 मेरा ऑप्शनल जो था वो ऑप्शनल था और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी मैंने पहले बी ए किया था और करंटली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन इकनॉमिक्स फ्राम गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स विच इज इन पुणे मैं यहाँ पे मेरी जो प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल एज वेल एज इंटरव्यू की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहले मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा uh, प्रिलिम्स में इन इन माय इनिशियल अटेम्प्ट आई हैव स्कोर्ड अराउंड 85 मार्क्स एंड आई एबल टू क्लियर माय प्रीलिम्स उसके बाद मैंने सोचा कि uh, कुछ तो ड्रेस्टिक चेंज लाना पड़ेगा स्कोर इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके बाद मैंने काफी वर्क uh, किया मेरे प्रिलिम्स पे उसके बाद के जो मेरा अटेम्प्ट उसमें मेरा स्कोर वन था उसके बाद वन था और दिस ईयर वन था सो so, uh, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या मिस्टेक की थी मैंने पहले पहले अटेम्प्ट में प्रिलियम्स के बारे में uh, काफ़ी कम जानकारी मुझे थी uh, मुझे पास ईयर क्वेश्चन मैंने एनालाइज नहीं किए थे और मैंने जो लॉजिकल डिडक्शन था और जो एलिमिनेशन टेक्निक था उसका यूज मैंने नहीं किया था और मैं काफ़ी डर जाता था क्वेश्चंस को देख के कि ये तो मुझे आता ही नहीं है देन मैं वो, वो क्वेश्चन को छोड़ के चला आता था तो उसके बाद मुझे समझा कि थोड़ा सा एग्जाम हॉल टेम्परेंस भी थोड़ा रखना पड़ेगा टेम्परामेंट का ये सब खेल है और उसके बाद में मैंने उस पर ऊपर वर्क करना शुरू किया जैसे मैंने बताया कि उसके अगले अटेम्प्ट में, में मेरा स्कोर 140 आया तो मैंने स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाए थे जिसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा पहला प्रिलम्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी इंडिकेटिव है और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमी ये ऐसे जो वर्ड्स है वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके पास नहीं प्रोवाइड करते तो ये काफी इंडिकेटिव है तो वो सिलेबस को अगर समझना है और असली सिलेबस को जानना है तो आपको ये सिलेबस के जो टॉपिक्स है उसके साथ साथ जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको रिलेट करके उसका एक लिस्टिंग बना के आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है सो दिस विल प्रोवाइड प्रोवाइड अ पिक्चर दैट कौन से कौन से एरियाज वो टॉपिक में प्रम्स uh, में पूछे जा रहे हैं और उसके वो टॉपिक्स पे एम्फोसाइज करके आप पढ़ सकते हो सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज जैसे आप पढ़ते हो तो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होता है लेकिन आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए उसका थोड़ा सा एप्लीकेटिव माइंडसेट से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपके डेफिनेशन बहुत क्लियर हो जाएंगे सो आई डिस्कस द फर्स्ट स्टेप दूसरी बात जो है वो है की जो भी आप पढ़ रहे हो उसके रिविजन uh, मटेरियल कम रखो बट रिविजन ज्यादा करो उससे क्या होगा की आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद में जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एप्लीकेटिव माइंडसेट से आते हैं तो वो एप्लीकेशन भी आप अच्छे से करके अगर वो कंसेप्ट आपने समझ लिया समझ लिया हो तो अब उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके आ, 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 आ सकते हैं वो आप एप्लीकेशन बेस्ड एक अप्रोच से सोच सकते हो उसके बाद जो है कि अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट आ, मैंने करीब करीब 100 से 120 टेस्ट मैं अटेम्प्ट करता था हर साल और बस टेस्ट अटेम्प्ट करना एक है बट उसका एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है तो एनालिसिस में कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं एक एक्सेल शीट बना के उसमें डालता था जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड उसमें से कितने करेक्ट हुए हैं उसमें से कितने इनकरेक्ट हुए हैं, उसमें जो आंसर आपने अटेम्प्ट किया है जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो ऑप्शन चूज करते वक्त आपने कौन सा लॉजिक यूज किया है क्या लॉजिक यूज किया है और किस लॉजिक के बेसिस पे आपने वो ऑप्शन को चूज किया है कभी कभी ये हो सकता है कि आपका जो लॉजिक है वो गलत हो आपका जो आंसर है वो गलत हो और करेक्ट आंसर कुछ अलग हो तो करेक्ट आंसर के जो एक्सप्लेनेशन को आपको सही से पढ़ना पड़ेगा और फिर आपका जो लॉजिक है उसके ऊपर डेवलप करना पड़ेगा बहुत बार आ, ऐसे हो सकता है कि इनिशियल स्टेजे इनिशियल टेस्ट में आपके नंबर जो है वो कम आ जाए लेकिन धीरे धीरे आप अगर नंबर इस अप्रोच इस को फॉलो करते हो एनालिसिस आपको ठीक करते हो और बेसिक फंडा जो है कि Mistakes जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा मैंने बस यही ठान लिया था कि कोई भी प्रिवेंटेबल मिस्टेक्स मेरे एग्जाम में होना नहीं चाहिए तो धीरे धीरे मिस्टेक्स कम होती जाएगी और आपका स्कोर बढ़ते जाएगा उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो जिसके ऊपर आपने कोई कंटेंट पढ़ा, पढ़ाना हो तो वो क्वेश्चन को अगर डील करना है तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप काफी वो क्वेश्चन डील कर सकते हैं जैसे बहुत बार ये होता है कि हमारे पास काफी कम इंफॉर्मेशन होती है वो चीज के बारे में लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लो थोड़ा सा लॉजिकल डिडक्शन कर दो ऑप्शंस को हटाते जाओ तो आप सही ऑप्शन तक पहुंचते जाओगे सो so, ये एलिमिनेशन uh, टेक्निक में यूज करता था उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो एग्जाम हॉल का जो एनवायरमेंट है उसमें आपको ढाल देना उसमें वो सिमुलेटेड एनवायरमेंट में आपकी टेस्ट को प्रैक्टिस करना जैसे आप जानते होंगे कि यूज़रली मई-जून के महीने में रहता है तो नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में भी वो एक समर हॉट समर डे होता है तो काफी सेंटर्स में भी आ, कई बार एक ही फैन होता है तो वही सिचुएशन में मैं घर पे प्रैक्टिस करता था बहुत बार ऐसे भी होता था कि फैन बंद करके मैं पढ़ता था टेस्ट सॉल्व करता था उससे क्या होता है कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो उसको आप हटा देते हो और आप आसानी से वहां पे आपके जो लॉजिक है आपका जो मटेरियल आपने रिवाइज किया है उसके ऊपर फोकस करके आप fashions, uh, कर सकते हो सो so, ये जो एग्जाम हॉल टेम्परामेंट है वो आपको सिमुलेटेड एनवाइट में टेस्ट देके ही आपको आ जाएगा बहुत बार ऐसा होता है कि नौ से बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल के प्रेशर के कारण हम मार्क करना होता है सही आंसर होता है फिर भी मार्क नहीं कर पाते तो ये चीज आप उससे अवॉइड कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आ, मैं जैसे एक एक्सेल शीट बनाता था था तो एक्सेल शीट में मैं ये करता था कि 100 आ, टेस्ट जो मैं, टेस्ट जो मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था उसके मैंने कितने अटेम्प्ट किए कितने इनकरेक्ट है कितने करेक्ट है ये मुझे हर बार वो ये फिगर मिलता था ये हर एक चीज हर एक के लिए अलग होगा हर एक का एक एक्यूरेसी मीटर अलग होगा क्योंकि हर एक का रिस्क टेकिंग अलग होता है तो उसके मुताबिक ये हर एक के लिए अलग होगा बट उसे ये आप जान सकते हो कि एट दी एग्जाम हॉल आपको रिस्क लेना है और 80 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो 85 तक जाना है 90 तक जाना है या वहीं पे रुकना है ये जो डिसीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि निगेटिव मार्किंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में सो so, वो एग्जाम हॉल में आप ये जान सकोगे कि आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनालिसिस ऑफ योर होल टेस्ट सो ये मेरा अप्रोच रहा था प्रीलिम्स में तो आप, तो आप जानते ही होंगे तो आई डिस्कस सम जैसे मैंने बताया कि पास्ट ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको कुछ पास्ट इ्वेश्चन को दिखा दूंगा जो हमेशा हुए रिपीट हुए हैं थीम्स रिपीट हुए हैं और आ, बहुत बार क्वेश्चन के ऑप्शन में से एक नया क्वेश्चन बनते जा रहा है सो आई जस्ट ये एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है जो है जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि जो करेक्ट है ये है गोल्डन मासीर और सेम सेम ऑप्शन के बारे में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है सो so, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में से एक नया क्वेश्चन बन रहा है जैसे यहां पे आप देख सकते हो ट्वेंटी ट्वेंटी आपको पूछा गया कि कौन से कौन से ऐसे पोल्यूटेंट uh, है जो रेन के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कार्बन मोनोक्साइड है नाइट्रोजन ऑक्साइड है ओजोन है सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑप्शन दिए गए यही ऑप्शन आपको 2013 में दिखाई देंगे और क्वेश्चन भी एसिड रेन के ऊपर है सो so, ये इंपॉर्टेंस है पास क्वेश्चन की कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एनवायरमेंट में पर्टिकुलरली जो जो है और जो है और पॉलिसीज वो कई बार पूछी जाती है कुछ एक्ट है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो तो ये हमेशा पूछते रहते हैं क्वेश्चन उसके ऊपर कुछ नई पॉलिसीज होती है जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी तो ये सब पॉलिसीज और एक्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है और वही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पे 2020 में भी क्वेश्चन बना है नाइट्रोजन साइकिल सल्फर साइकिल्स ये जो कंसेप्चुअल चीजें हैं इकोलॉजी की उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ये और एक क्वेश्चन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स पे ऊपर बना है वही क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल दोबारा से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2020 में दोबारा से वाइल्ड लाइफ सो इससे ये आप जान सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक थीम था एक क्वेश्चन था लेकिन वो हर बार रिपीट हुआ है एक ही ऑप्शन में से एक नया क्वेश्चन बनते जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स का जो सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो काफी इंडिकेटिव है उसमें से जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इंडियन इकॉनमी ऐसे एक-एक टॉपिक -एक दिए गए हैं लेकिन ये सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब आपको वो एक-एक टॉपिक -एक को सब टॉपिक्स में एक माइक्रो लिस्टिंग आप आप करोगे। जैसे आप देख रहे हो यहां पे कि मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे माइक्रो टॉपिक्स है ये माइक्रो टॉपिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखते समय और ईयर क्वेश्चन का एक एनालिसिस करने के बाद बनाए गए हैं। जैसे आप जानते होंगे की मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसीज जो है अलग अलग पॉलिसीज जो है वो आप देख रहे हो क्योंकि रिपीटेटिवली रिपीटिवली फ्रेड से पूछे जा रहे हैं जैसे वाइट रेसिज्म हो कल्चरल पॉलिसी हो इकोनॉमिक पॉलिसी हो लैंड टेन्य के बारे में पॉलिसी हो फॉरेन पॉलिसी हो जो ब्रिटिशर, ब्रिटिशर्स और कॉलोनी अपलाई थी पॉलिसी फॉर लोकल बॉडीज हो पॉलिसी जो रिफॉर्म्स के लिए जो पॉलिसीज लाई थी वो हो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो एजुकेशन पॉलिसीज हो प्रेस के बारे में जो पॉलिसी थी ये पॉलिसी एक थीम है और वो थीम को लेके क्वेश्चन बन रहे हैं दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन हो रहा है जैसे आप जानते होंगे कि कॉलोनियल टाइम से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन है वो होते जा रहा है और हमेशा हर साल किसी ना किसी एक्ट पे क्वेश्चन एक ना एक तो बनता ही है तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट है वाइस रॉयज है वाइस रॉयज के रोल के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं कांग्रेस के जो सेशंस है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के जो सेशंस हैं वो सेशंस में आ, क्या हुआ था उसके बाद में उसके इंपैक्ट कैसा था इसके बारे में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये माइक्रो लिस्टिंग दी गई है एक टॉपिक को माइक्रो लिस्टिंग करने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितनी चीजें आपको पढ़नी है कितना आपका दायरा होगा और अगर आप ये सारी कवरेज करते हो तो आपको आसानी होगी कि वो टॉपिक पूरा एग्जॉस्टिवली कवर करने में इसके बाद आर्ट एंड कल्चर है आर्ट एंड कल्चर जो आ, ऐसी चीज है जो एंशेंट इंडिया से लेके मेडिवल से लेके मॉडर्न तक और अभी तक वो चलती ही जा रही है इवॉल्व होती जा रही है और अलग अलग जो सिविलाइजेंस सिविलाइजेशन थी उसका जो एक इम्प्रिंट है वो आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर पे दिख रहा है जैसे आप जानते होंगे कि इंडियन सोसाइटी भी कितनी डाइवर्स सोसाइटी है तो डाइवर्स पार्ट्स की जो उसका जो आर्ट एंड कल्चर है आर्किटेक्चर है लिटरेचर है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं ये करते वक्त जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेडिवल इंडिया और एंशंट इंडिया Uh, यहां में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक एक टर्म को लेके वो टर्म का मीनिंग पूछ रहे हैं जैसे इस बार भी फनाम का एक वर्ड था उसके पहले भी कोई और था तो ये जो टर्म्स है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो वन लाइनर होते हैं बहुत बार ऐसा लगेगा कि ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है पर अगर आप एंशंट इंडिया एंशंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मिडल हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये वर्ड्स के ऊपर एम्फोसिस करके अगर देखते हो तो शायद आपका वो क्वेश्चन छूट सकता है उसके बाद विजयनगर एम्पायर एक काफी इम्पोर्टेंट है इंडियन फिलोसॉफी फिलोसॉफी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है लिटरेचर लिटरेचर में कई लिटरेचर का जो इवोल्यूशन है वो अगर आप टाइम लाइन से देखते हो और उसको एक एक करके पढ़ते हो तो काफी इम्पोर्टेंट वो चीज है रॉक कट आर्किटेक्चर है और कुछ चीजें जो है ट्रेवलर अकाउंट है और जी आई टैक्स है करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में जो आ रहा है आर्ट एंड कल्चर से वो रिलेटेड वही आपको वहां पे दिख रहे हैं तो सभी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन करंट अफेयर्स से भी आ रहा है तो जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो जो चीजें जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में आ रही है उसको आप रिलेट करके अलग से नोट डाउन करो सो so देट आपका जो फिल्म है वो काफी आसानी से आप कर पाओगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक वर्ड दिया गया है लेकिन उसमें काफी माइक्रो टॉपिक्स है जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिफेंस स्पेस बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कॉम्प्यूटर आई टी इन्फॉर्मेशन ऊपर से क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रीजन है उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल इशूज चल रहे हैं उस शायद वो इश्यूज के बारे में ना पूछे लेकिन जो इश्यूज के अंडरलाइन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज है जैसे जी ट्वेंटी है जी सेवन पूछा गया है तो उसके बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग है जो अगर आप माइक्रो लिस्टिंग से पढ़ सकते हो एक एक जो टॉपिक दिया गया है उसको आप तैयार कर सकते हो उसके बारे में पढ़ के नोट बना सकते हो तो आपको जाके आसानी होगी जैसे एनवायरमेंट में है एनवायरमेंट करीब करीब 16 20 परसेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं तो अगर एनवायरमेंट में आपके पास जो एनवायरमेंटल बॉडीज है जो इंडिया में है इंटरनेशनल बॉडीज है जो प्रोटोकॉल्स है जो ट्रीटीज है उसके बारे में अगर आपके पास अच्छी से जानकारी हो तो आप वो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे एनवायरमेंटल लॉज है एक टॉपिक है एक थीम है उसके आप जैसे देख रहे हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी ई वेस्ट पॉलिसी इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं फंड जैसे क्लाइमेट चेंज फंड क्लाइमेट चेंज के काफी सारे फंड है उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं एनिमल्स और बर्ड फ्लोरा और फोना जो है उसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है अगर वो एंडेंजर्ड है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो वहां से डायरेक्टली उस एनिमल या उस बर्ड्स के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है

उसको उसके साथ रिलेट करो उसके एज धीरे क्या है वो देखो उसके साथ कौन सी सी कौन सी सी है उसका नेबरिंग कंट्री कौन सा है वो थोड़ा बहुत देख लो कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये थोड़ा देख लो ये इंक्विटिव रहो हर एक हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो न्यूज में उसके बारे में अगर इंक्विटिव अप्रोच से आप उसका मैप्स भी देख लेते हो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आ, इंडिया uh, के मैप्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जैसे एक क्वेश्चन था कि आप कोही मासा लेके कोटायम जा रहे हो तो कितने स्टेट्स आप पास करोगे सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो किसी बुक में दिए नहीं होंगे ये क्वेश्चंस आपकी क्यूरियोसिटी आपके इंक्विजिटिवनेस से ही सॉल्व हो सकते हैं उसके बारे में इकोनॉमी है इकोनॉमी में इसका लिस्टिंग यहाँ पे किया गया है जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी बजट हो बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो नेशनल इनकम हो नेशनल इनकम के कंसेप्ट के बारे में काफी बार क्वेश्चन आते हैं और हमेशा वो कंसेप्ट को अलग अलग पहलू से आप अगर समझो तो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन सोल्व करने में काफी दिक्कत नहीं आएगी उसके उसके बारे बारे में में uh, गवर्नेंस और और मिनिस्ट्री स्कीम्स स्कीम्स है है अगर जो मेन मेन फ्लैगशिप आपको थोड़ी भी जानकारी हो तो वहां पे जाके आपको पूरा क्वेश्चन भी ना अटेम्प हो लेकिन आप कुछ ऑप्शंस को कुछ स्टेटमेंट्स को अगर एलिमिनेट करते हो तो वो क्वेश्चन आपका बन जाता है सो so, ये इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस है ये माइक्रो लिस्टिंग का और ये का। एक टॉपिक लिस्टिंग का इससे एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी है कि हम uh, जब ये सब टॉपिक कवर करते हैं तो दिमाग में एक चीज तो क्लियर होती है कि हमने ये सब किया है और वो एक अलग कॉन्फिडेंट आपको देता है जो कि ये इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है और मुझे लगता है कि ये जो माइक्रो लिस्टिंग है वो आपको बहुत फायदेमंद होगी प्रीलिम्स के लिए सो so, ये मेरा ओवरऑल अप्रोच था प्रीलिम्स के बारे में इसके वजह से मुझे मेरा स्कोर इम्प्रूव होते गया और प्रीलिम्स का कभी भी मुझे उतना भय रहा नहीं प्रिलिम्स अगर आपकी सही हो तो उसका बहुत बड़ा फायदा आपको तभी होता है जो प्रिलिम्स और प्रिलिम्स के रिजल्ट के बाद जो वक्त होता होता है है वो काफी मेंस के स्टडीज के लिए तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि प्रिलिम्स में आपके 110 120 नंबर आ रहे हैं तो वो नम, वो जो दिन है वो प्रिलिम्स और प्रिलिम्स के रिजल्ट के बीच वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आपके मेंस के प्रिपरेशन uh, के लिए सो so, यही इंपॉर्टेंट है कि प्रिलिम्स में कट ऑफ पे नहीं रहना बट कट ऑफ के बहुत ऊपर रहना सो दैट यू विल बी यू विल इमीडिएटली स्टार्ट यूर मेन्स प्रिपरेशन सो यही ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स के बारे में अब मैं आपसे मेन्स की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा नाउ आई डिस्कस मेन्स स्ट्रेटेजी जो मेरा अप्रोच रहा है मेन्स के लिए पेपर वाइज आई डिस्कस फर्स्ट इज द एसे ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसे काफी इवॉल्व हो रहा है जैसे आप जानते होंगे कि पिछले साल भी फिलोसॉफिकल एसेज सब पूछे जाए पूछे गए थे उसके पहले भी सेक्शन ए में फिलोसॉफिकल एसेज थी तो ये तो मानना पड़ेगा कि फिलोसॉफिकल एसेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे उसके बारे में एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी होनी चाहिए जो आपको आगे जाके आ, मदद कर सके सो तो ऐसे में आ, मेरा स्ट्रेटेजी तो ये था कि जो टॉपिक दिया गया है उसका मैं पहले इंटरप्रिटेट करूँ और उसको मैं समझू और मेरी भाषा में आसानी से वहां पे प्रेजेंट कर दू ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता था इससे एग्जामिनर को ये क्लियर होगा कि मुझे ये टॉपिक समझ आया है कभी बार, कभी कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि फिलोसॉफिकल ऐसे इसके काफी अर्थ अर्थ आ सकते हैं उसके मीनिंग्स काफी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है तो उस वक्त आपका जो मीनिंग है वो आप पहली बार ही आप कन्वे कर दो तो आपको आगे जाके काफी आसानी होगी सो तो पहला तो इंटरप्रिटेशन है दूसरा है कि लॉजिकल डिडक्शन बहुत बार ये होता है कि फिलोसॉफिकल एसेस को आपको रिलेट करना पड़ेगा अलग अलग चीजों से अलग अलग डायमेंशन से और आपको अलग अलग डायमेंशन को मिला के, वो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको एक तो प्रूव करना पड़ेगा या डिसअप्रूव करना पड़ेगा तो ये होगा जब आप लॉजिकली सोचोगे कि ये टॉपिक को रिलेट करने वाली कौन सी कौन सी चीजें है वो एनवायरमेंट में हो सकती है वो हिस्ट्री में हो सकती है वो पॉलिटी में, में हो सकती है या फिर वो साइंस टेक में हो सकती है तो इस तरीके से आप उसका लॉजिकल डिडक्शन कर सकते हैं इसके बाद ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अलग अलग पहलू आप पोर्ट्रे करो तो मेरी हमेशा ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि अगर मैं पहले ऐसे में एनेकडोट यूज कर रहा हूँ और कंक्लूजन में भी anecdote यूज कर रहा हूं। तो दूसरे strategy में मैं कुछ तो डिफरेंट अप्रोच ले लू और मेरा दूसरा पहलू जो है अलग अलग पहलू मैं एग्जामिनर को प्रेजेंट कर दू अभी जैसे अगर पहले ऐसे में आपने एनेकडोट यूज किया है तो एनेक्डोट वो उसके थीम को रिप्रेजेंट करने वाला या वो थीम वो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करने वाला एनेक्डोट होना चाहिए दूसरी बात है कि एनेक्डोड से कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग इंटरप्रिटेशन फॉर्म हो सकता है तो वो आपको एक उसका आसान शब्दों में उसका मीनिंग बता के उसको करके उसी स्टेटमेंट को वापस से आपको रिलेट करना होगा बहुत बार ऐसा अच्छा रहेगा अगर आप वही एनेक्डोड को लेके पूरा एक थीम बना लो उससे वो थीम से लेके आप एक्सप्लेन करो लॉजिकली डिड्यूस करो अलग अलग डायमेंशन कवर करो एंड एट दी एंड कंक्लूजन में वही एनेक्डोट को दिखा दो कि एक पॉजिटिव टोन पे हम कैसे ऐसे एंड कर सकते हैं जब आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तब एक वाइब एग्जामिनर को दे जाता है और काश उसी के कारण आपका स्कोर बढ़ सकता है यह मैंने ऑब्जर्व किया था मेरे इनिशियल मेंस में, में मेरा स्कोर 119 था अब मेरा स्कोर 131 है तो शायद यह स्ट्रेटजी मेरे लिए काम आई हो दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है ऐसे में वो है कि ऐसे एक प्लेन राइटिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसे एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए बिटवीन यू एंड अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको काफी आसानी होगी दूसरी बात है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन बनाए कैसे तो कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए आपको दो पैराज में या डिफरेंट uh, डायमेंशन में कुछ कनेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा तो यो कने connect, जो कनेक्टर्स है जो हम यूजली uh, बोलते वक्त हम जैसे बताते हैं किसी से किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं जैसे मैं खुद करता था कि लेट अस डाइव इन टू दिस सो ये मेरा हमेशा रहता था कि इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये कर दू सो दैट मेन बॉडी जो है वो इंट्रोडक्शन uh, के साथ एक कॉन्वर्सेशन के साथ लिंक कर दू उसके बाद पॉजिटिव uh, आपका थोड़ा टोन होना चाहिए हर वक्त ऐसे नहीं होगा कि हर वक्त पॉजिटिव चीजें ही आप डालो लेकिन आपका जो कंक्लूजन है आपका जो ओवरऑल जो वाइब वो ऐसे में ऐसे में से जो आनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो ये रहा ऐसे का स्ट्रेटेजी। नाउ आई डिस्कस द जीएस वन का स्ट्रेटेजी। GS1 में बहुत बार ये होता है कि हिस्ट्री जोग्राफी आर्ट एंड कल्चर ये चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई रहती है तो तो अगर हम उसको बस आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले, तो वो तो आसानी से कर लेते हैं बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे सोसाइटी जिसका सिलेबस काफी छोटा है टॉपिक्स आपको दिया गया है और एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको दिया गया है और क्वेश्चन भी उसी से बन रहे हैं तो अगर इस टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वो भी क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे और आपका जो जीएस वन का जो आ, पेपर है वो एक कंप्लीट दिखेगा उसके बारे में आ, उसके बाद जो आता है वो जीएस टू आता है आ, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो जीएस टू जो पेपर है वो काफी टेक्निकल है क्योंकि उसमें पॉलिटी है पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पार्स ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऐसे काफी चीजें जो आ, पॉलिटी में मैं कह सकता है कि उसको आप रिलेट करोगे करंट इवेंट्स के साथ तो ऐसे थीम्स काफी कवर होते हैं तो पॉलिटी में अगर आपको पढ़ना है तो जो करंट हैपनिंग्स जो हो रही है उसको आपके स्टैटिक जो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हो या आप पढ़ते वक्त बैरै रिफर किया हो तो वो जो स्टैटिक के आर्टिकल्स है उसके साथ आपको करंट अफेयर्स का जो इशू चल रहा है उसको मैरी करके आपको प्रेजेंट करना होगा आपके आंसर्स में और जो क्वेश्चन है वो भी आप देखते होंगे कि वही से आ रहे हैं दूसरी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं मैंने ये चीज की थी कि जो एडिटोरियल्स है वो मैं हमेशा अच्छे से पढ़ता था इंटरनेशनल बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसी उसी साल या उससे पहले साल जो इंटरनेशनल uh, रिलेशन में जो इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर आते हैं इसमें भी uh, जो टॉपिक लिस्ट है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव दी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन से काफी डिरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायस्पोरा से क्वेश्चन आते हैं तो जो जो चीज़ें टॉपिक में लिखी है जो जो चीजें ऐसे सिलेबस में लिखी है वो हर एक वर्ड पे अगर आपके पास नोट्स हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और एक्चुअल एग्जाम में भी आपको आसानी होगी फिर सोशल जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट uh, पार्ट है सोशल जस्टिस है गवर्नेंस है सोशल जस्टिस को मैं हमेशा एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से देखता था क्योंकि uh, उसका सिलेबस का लाइन भी है गवर्नमेंट स्कीम्स तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है फॉर वेरियस सेक्शंस तो उसको एक होलिस्टिकली देखो एक एक वर्ल्नरेबल सेक्शंस को ले लो और उसके वर्नरेबल सेक्शन के लिए क्या स्कीम्स है उनकी क्या हालात है और वो स्कीम्स में आप सोल्यूशन और रेमेडीज क्या और ला सकते हो तो वो चीज आप अच्छे से प्रिपेयर करो एक एक पेज के नोट्स बनाओ तो आपको जाके आगे रिवीजन में भी आसानी होगी और पेपर आंसर uh, राइटिंग में भी काफी आसानी होगी फिर इसमें भी पास्ट ईयर क्वेश्चन से काफी रिलेट करके क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो uh, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर के क्वेश्चन हो इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्वेश्चन नेबरहुड के जो क्वेश्चन है वो काफी सिमिलर आ रहे हैं सोशल जस्टिस में भी सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पास ईयर क्वेश्चन अगर आपने ढंग से किए हो तो आपको आगे जाके आसानी होगी उसके बाद जीएस थ्री जीएस थ्री में ये होता है कि हम मान के चलते हैं कि जीएस थ्री मतलब इकोनॉमी एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी लेकिन इकोनॉमी में भी काफी माइक्रो uh, टॉपिक्स है जो आप अगर अच्छे से देखोगे जैसे एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर में भी

पैरेलल एक कुछ रिलेशन बनता जा रहा है एक कुछ इवोल्यूशन आप देख सकोगे और वो ट्रेंड एनालिसिस करके आपका नोट्स आप बनाते जाओगे दूसरी बात है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और जीएस थ्री में भी, भी हालांकि आपको स्टडी करनी है वो काफी कॉमन है तो ये इम्पोर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के मेरे सेपरेट नोट्स हुआ करते थे जिसमें मैंने हर एक डिजास्टर्स को भी देखा था और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजीज थी उसको भी मैंने अलग से पढ़ाता और रिलेट करके मैंने रखा था डिजास्टर मैनेजमेंट में एक होता है कि हर रोज हम जब, जब न्यूज पढ़ते हैं तो कोई ना कोई डिजास्टर की न्यूज हम पढ़ते हैं तो वो जो इवेंट्स है अगर उसका आप मेंशन करके आपके नोट्स में एक लिस्ट बनाओ और उसका कारण क्या है उसमें क्या एग्जैक्टली exactly हुआ था और उसमें हमने रिस्पॉन्स जो है वो कैसे दिया था और अगर और क्या चीज करते और तो वो रिस्पॉन्स और बेटर होता तो ये एनालिसिस आप न्यूज पढ़ते वक्त ही करो तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको आगे जाके आसानी होगी एनवायरमेंट है सिक्योरिटी है एनवायरमेंट में भी आप जो प्रिलिम्स का जो आपने पढ़ा है उसके साथ रिलेट करके आप पढ़ सकते हो सिक्योरिटी में भी सिक्योरिटी uh, में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज है और जो इवॉल्विंग जो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके रिलेटेडेंट कर रही है कि सिक्योरिटी ये अगर एक एक टॉपिक पे आपके पास नोट्स हो तो आपको आगे जाके आसानी होगी इसमें भी दो चीजें हैं, एक है कंटेंट और दूसरा है आपका जो लॉजिकल डिडक्शन है एक है जो लॉजिकल डिडक्शन वो आपको डिमांड को एड्रेस करने में हेल्प करेगा तो दोनों चीजों का जब बैलेंस और ब्लेंडेड एक अप्रोच होगा तभी जाके आप अच्छे आंसर लिख पाओगे नेक्स्ट पेपर है जीएस फोर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हालांकि ये पेपर को मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर देख के तीन हिस्सों में डिवाइड किया था फर्स्ट इज अ थियोरी बेस्ड क्वेश्चन थियरी दो प्रकार की है एक है एथिक्स की और दूसरी है मोर लाइक जो इसका इंटरफेस है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के रिलेटेड है उसको उसकी जो एक थियरी है दूसरा जो टॉपिक है वो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा ये होता है कि आपको अपना खुद का जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको वहाँ पे डालने में काफी स्कोप होता है। तो वो क्वेश्चंस को आप अच्छे से अगर डील करते हो तो आपका जो वैल्यू स्ट्रक्चर है आपकी जो पर्सनालिटी है वो आप पोर्ट्रे कर सकते हो थ्रू दी है केस स्टडीज केस स्टडीज में आपको प्रिपेयर करने के लिए काफी अप्रोचेस है लाइक like अभी आंसर uh, राइटिंग के वक्त आप स्टेक होल्डर्स केस का जो पूछा गया है वो मेन बॉडी में लिख के और जो कंक्लूजन uh, में आप वे फॉरवर्ड मतलब आगे जाके क्या कर सकते हैं वो लिख सकते हैं उसके भी कई अप्रोचेस है वो आप ट्राई कर सकते हैं हालांकि इस बार का जो पेपर था उसमें एक केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे वक्त आपको पूरे स्टेक होल्डर्स या बाकी सारी जो चीजें हैं वो लिखने के लिए समय ना मिले तो टाइम मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और जो पूछा गया है वो डायरेक्टली वहां पे आपको थोड़ा अजाइल रह के लिखना है ये एथिक्स में एथिक्स uh, में बीट अ थियरी बीट अ सेक्शन ए और बीट अ केस स्टडीज जब आपके पास एग्जाम्पल्स होती है और वो एग्जाम्पल्स को आप थियोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको आगे जाके आंसर लिखने में काफी आसानी होगी जैसे एथिक्स uh, में मैं ये चीज करता था कि टाइम uh, मैनेजमेंट काफी क्रूशल होता है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे नहीं होते बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वहां पे जाके सोचना पड़ता है और एक आंसर बना के वहां पे आपको प्रेजेंट करना होता है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग सकता है तो एथिक्स के एथिक्स के मॉक टेस्ट मैंने ज्यादा अटेम्प्ट किए थे और वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त मैंने सोचा था कि मैं कितना टाइम फर्स्ट से फाइव क्वेश्चन को दूंगा फाइव से क्वेश्चन और बागे जाके को दूंगा ये अलग अलग अप्रोच होगा अलग अलग स्ट्रेटेजी uh, होगी इसके uh, बारे में अलग अलग लोगों की लेकिन ये आपको खुद से जानना होगा कि आपके लिए क्या सही सुटेबल है और ये तभी जान पाओगे जब वो टाइम मैनेजमेंट वो टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन लिखोगे और मॉक टेस्ट पूरे तीन घंटे में लिखोगे तो ये रहा एथिक्स के लिए मेरा ऑप्शनल जो है वो इकोनॉमिक्स रहा है और इकोनॉमिक्स uh, मैंने लेने का कारण था कि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो बीए इकोनॉमिक्स में रहा है और करंटली मैं मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में परस्यू कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑप्शनल uh, चूज करने का जो मेन क्राइटेरिया था वो फर्स्ट इंटरेस्ट था दूसरा इकोनॉमिक्स uh, ऑप्शन में uh, बहुत बार ये होता है कि पेपर टू में जो चल रहा है वो काफी ओवरलैपिंग है जीएसटी के साथ भी तो पेपर टू जो इकोनॉमिक्स का है वो इंडियन इकोनॉमी है और वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड है है पेपर पेपर थोड़ा सा टेक्निकल में बहुत बार ऐसे होता है कि एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सिलेबस दिया है तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है कि एक एक टॉपिक को एक एग्जॉस्टिव माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग में आप डाल दो तो वो सभी संभव होता है जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो पेपर वन में इकोनॉमिक्स uh, में पर्टिकुलरली पास्ट पास क्वेश्चन होते हैं बट उसके सिवा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आप थियरीज पढ़ रहे हो वो थियरीज को अलग अलग थियरीज और अलग अलग डिसिप्लिन से इंटर रिलेट करके आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, जैसे मैं बता रहा था कि ऑप्शनल चूज करने में पहला तो इंटरेस्ट था दूसरा था आपको सिलेबस जो है वो एग्जॉस्टिव उसका माइक्रोलिस्टिंग मैंने देखी थी और उसके बाद मैंने ऑप्शनल ये चूज किया था ऑप्शनल थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एप्लीकेशन में ये होता है कि आपको थियोरी को अलग अलग डिसिप्लिन के साथ इंटर रिलेट करना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि एक हाइपोथेसिस आपको वहां पे प्रेजेंट करना होता है और वो हाइपोथेसिस को आपको जस्टिफिकेशन देना होता है तो इस कारण मेरा इकोनॉमिक्स जो ऑप्शनल रहा है वो मेरा ग्रेजुएशन उसमें ही रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें रहा है इसीलिए मुझे इकोनॉमिक्स ऑप्शन में रुचि भी थी इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शन लिया था उसके बाद में आता हूँ इंटरव्यू की जो स्ट्रेटेजी थी इंटरव्यू में मुझे 193 मार्क्स थे जो कि वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स हम कह सकते हैं इंटरव्यू में मैंने काफी एफर्ट uh, से प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के uh, मेरा जो मेंस का रिजल्ट था उसके अगले दिन से मैंने थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू किया था जिसमें मैं जानता था जानना चाहता था कि मैं एक आइडियल पर्सन हूं या प्रैक्टिकल पर्सन हूँ या आइडियल टू प्रैक्टिकल पर्सन में ये जो मैट्रिक्स है जीरो टू हंड्रेड में वहां पे मैं कहा बैठ रहा हूँ क्योंकि अगर आप आइडियल पर्सन हो और आप प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंड जो है वो अधूरा रह जाएगा अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हो और काफी आइडियल बातें कर रहे हो तो वो इंटरव्यू पैनल जान सकेंगे और आपको वहां पे पिनलाइज कर सकेंगे उसके बाद जो है चीज एक है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन दूसरा है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मैंने काफी जोर दिया था जब मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता था तब तो मैं देखता था कि क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल सिंपल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं तब मुझे डाउट आता था कि ये तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर भी इसमें से हमारी वैल्यूज जो है हमारी जो है वो मैं कैसे कर सका, कर सकू। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन को देखते हुए मैंने वही आंसर्स वही क्वेश्चंस को वही ट्रांसक्रिप्शन से वही क्वेश्चंस को थोड़ा मेरा पर्सनल टच दे के आंसर बनाने की शुरुआत मैंने की उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी मॉक इंटरव्यूज तो देते थे लेकिन मॉक इंटरव्यूज का एनालिसिस बहुत बार होता नहीं है बहुत बार मॉक इंटरव्यूज में होता है कि एटिकेट्स uh, और, uh, आप, और जो आपका डिलीवरी है उसके ऊपर आपको मिलते हैं और जो एनालिसिस होता है वो आपको मॉक इंटरव्यू का वीडियो लेने के बाद खुद से भी करना होगा तभी जाके आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी आप उनको पोर्ट्रे कर सकोगे बहुत बार ऐसा होगा कि अः uh, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कई आंसर्स को आप 60% परसेंट या 50% परसेंट जानते हो तब आई डोंट नो बोलता था मैं मुझे पता नहीं है बोलता था इससे भी आपकी ऑनेस्टी दिख जाती है और सबसे यही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको क्या पता है और आपको क्या नहीं पता है ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है यही आपके पर्सनैलिटी की एक पहलू है जो मैं आ, हमेशा करता था दूसरी बात मैं करता था कि जितने भी मेरे दोस्तों का इंटरव्यू था उनके इंटरव्यू के दिन में वहां पे जाता था गेट के ऊपर खड़ा रहता था और उनके बारे में उनकी जो उनका जो उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था 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 उसके बारे में पूछ के उन, वो एक नोट बना लेता था। घर पे आके वापस उसको एनालिसिस करता था। उससे मुझे ये पता चलता था कि उनकी क्या मिस्टेक्स हुई है जो मैं मिस्टेक्स मैं वापस वा, वहां जाके दोहराऊ ना तो ये काफी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए उसके बाद मैंने ये देखा था कि वहां पे जाना है जाते वक्त एक ही सोचा था जैसा मैं हूं वैसा ही वहां पे प्रेजेंट करना है और कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं करनी है नहीं पता तो नहीं पता बोलना है और जो पता है उसको सही से वहां पे जाके प्रेजेंट करना आता है करना है इसमें वर्ड्स जो आप डिलीवर करते हो कॉन्वर्सेशन जो बिल्ड करते हो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें है काफी माइक्रो लेवल पे आपको दिखे दिख, आपको वो देखते हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगा मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि वॉट इज दैट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसका मेरा आंसर ये था

को घबराना नहीं है आपका वही अप्रोच और वही से आपको, आपको आखिरी आप कर सकते हैं एंडिंग में यह होता है कि आ, आप ऐसा कुछ आर्टिफिशियल कर नहीं सकते बट जो बात दिल से आपको आ, दिल से जो आवाज आपकी आ रही है वही आपको पहुंचाना है और यही से मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मैं अच्छा कर पाया और मेरे 193 मार्क्स आए तो ये रही मेरी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस की थी मेंस ऑप्शनल uh, और इंटरव्यू की मैंने की मैंने डिस्कस है इस बार ये पूरे प्रिपरेशन के दौरान uh, आसान तो चीजें नहीं होती कई बार आपको फेल्यूर्स भी फेस करने होते हैं तो फेल्यूर्स के वक्त uh, वापस खड़ा होना वापस वो जूझना और वापस पहले से नए दौर से नए स्टार्ट करना ये काफी डिफिकल्ट होता है मैं भी ये फेज से जा चुका हूँ आपको देना चाहूंगा ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट प्रयास था और पांचवे प्रयास में मुझे ये सफलता मिली है तो शायद ये सो ये हो सकता है कि आप एग्जाम का डिमांड अच्छे से समझ लो थोड़ी चीजें स्ट्रेटेजाइज कर लो और थोड़ी और मेहनत लेने की एक उम्मीद लेके आप दोबारा प्रयास करो तो ये शायद आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और जैसे मैं मुझे ये सफलता मिली तो यही चीज है मैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ